जय हिंद दोस्तों। 17 मार्च की तीन बड़ी खबरें हैं। बता दें कि पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पेंशन व सैलरी में 2200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। कैबिनेट मीटिंग में लग चुकी है मोहर। और दूसरी बड़ी खबर है जंतर मंतर ओआरओपी विसंगत को लेकर जनरल साहब से भिड़ गए एक सूबेदार साहब। उन्होंने कहा कि ऑफिसर भरोसे के लायक नहीं। 1 लाख पूर्व सैनिकों की 16 राज्यों में भर्ती निकली हुई है। बता दें 1 लाख वैकेंसियां निकली हुई हैं और जिसमें की 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा है। तो बहुत ही अच्छा मौका है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं। पेंशन व सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट मीटिंग में इसकी अप्रूवल दे दी गई है। बता दें कि अब टीए आपका 4% बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। 4% बढ़ने से आपके टीए में जो बढ़ोतरी होगी 27,000 रुपए तक का सालाना का इजाफा हो जाएगा ये आपकी बेस पेमेंट और सैलरी में। इसके बाद बता देते हैं पेंशनर्स को भी काफी फायदा होने वाला है। जो पेंशनर्स 18,000 रुपए बेसिक ले रहे हैं उनको 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी और यानी कि सालाना उनको 8,640 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जो 56,900 रुपए बेसिक ले रहे हैं उनको 2,276 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सालाना 27,312 रुपए की बढ़ोतरी होगी। दूसरी बड़ी अपडेट है सेना का अब थिएटराइजेशन होगा यानी कि सेना में अब कोई सजा या पनिशमेंट दी जाएगी तो यूनिट लेवल में ना होके अब सीधा आपको एक सेंट्रलाइज कमांड के थ्रू दिया जाएगा। यानी कि आपको अगर कोई सजा होगी या कोई केस चलेगा आपके ऊपर तो सीधा सेंट्रलाइज चलेगा, आपको यूनिट से कोई संपर्क नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी अपडेट है एक सूबेदार साहब जनरल सतवीर साहब से भिड़ गए। उनका कहना है कि सिपाही 1600 रुपए, नायक 1500 रुपए, हवलदार 1650 रुपए, नायब सूबेदार 0, सूबेदार 0, सूबेदार मेजर 0, मेजर रैंक को 7000, कर्नल को 10000, ब्रिगेडियर को 12000 रुपए की बेसिक पेंशन बढ़ोतरी हुई है ORP 2 में। इसलिए हम लोगों को आंदोलन में शामिल किया था, जनरल साहब से पूछ रहे हैं, जो 2014-15 में आंदोलन किया गया था, क्या जेसीओ ओआर को इसलिए शामिल किया गया था कि जेसीओ की 0 बढ़ोतरी की जाए। आप अपनी पेंशन बढ़ाओ हमारी नहीं। आपने आंदोलन कराया और फायदा पूरा जेसीओ ओआर का लिया और इसके बाद पेंशन बढ़ाई अपनी, जेसीओ की बिल्कुल नहीं बढ़ाई। ना तो आप विश्वास करने के लायक है ना कोई ऑफिसर विश्वास करने के लायक है। अब हम कभी भी आप लोगों के साथ भागीदार नहीं बनेंगे यानी कि आपके साथ किसी भी तरह का अब कोई आंदोलन नहीं किया करेंगे। जेसी ओआर भूतपूर्व सैनिक का ये कहना है तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये बिल्कुल क्लियर बात कही है उन्होंने कि आप भरोसे के लायक नहीं हो। अगर ये इसमें जेसीओ की बढ़ोतरी नहीं हुई थी तो क्या इनकी जो सतवीर साहब डिमांड कर रहे हैं कि हमें ORP एरियर मिलना चाहिए, क्या ये सही है कि ORP एरियर केवल ऑफिसर को मिल रहा है तो उनको मिल जाए बाकी को नहीं मिले। इनको तो ये कहना चाहिए कि ORP एरिया जो मिल रहा है इसको कैंसिल किया जाए, पहले विसंगतियां दूर की जाए इसके बाद एरियर का भुगतान किया जाए। दूसरी बड़ी अपडेट है भूतपूर्व सैनिक महानिदेशालय यानी कि DGR जो सुरक्षा एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी देता है उसमें ये सरकार को कह के देता है कि हम भूतपूर्व सैनिकों को एक्स सर्विसमैन को सिक्योरिटी एजेंसी दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों में केवल ऑफिसर को ही सिक्योरिटी एजेंसी मिलती है। जो जेसीओ ओआर होते हैं या तो सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं या सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनते हैं, उनको सिक्योरिटी एजेंसी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो सरकार को कहते हैं कि हम सिक्योरिटी एजेंसी एक्स सर्विसमैन को देते हैं तो एक्स सर्विसमैन केवल ऑफिसर नहीं होते हैं, जेसीओ ओआर भी होते हैं, इनको भी सिक्योरिटी एजेंसी का मिलना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद जॉब से संबंधित समाचार हम बता दें कि मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था जिसमें 1 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण उसमें है, 1 लाख वैकेंसियों का वीडियो बनाया था। काफी वैकेंसियां अलग अलग स्टेट में निकली हुई हैं जिसका मैंने एक साथ वीडियो बना दिया है। जिसने नहीं देखा वो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। 5 पास, 8 पास, 10वीं पास, 12वीं पास डिग्री होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन JCOR के लिए अप्लाई करने का अच्छा मौका है। सभी इंडिया के, ऑल इंडिया के स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है, जरूर अप्लाई करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।